इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीशो ऐप में ऑनलाइन शॉपिंग आप कैसे कर सकते हो, मीशो ऐप में ऑनलाइन प्रोडक्ट आप कैसे खरीद सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको ध्यान से देखना है, बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको अपने फोन में मीशो ऐप को ओपन करना है और मीशो ऐप का डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आप लिंक पे क्लिक करके मीशो ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आपको मीशो ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग मीशो ऐप में लैंग्वेज चूज करना है, आपका कौन सा जेंडर है आपको यहाँ पे वो चूज करना है। उसके बाद मीशो ऐप का यूजर इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके का ओपन होगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले मीशो ऐप में एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको बॉटम में एक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको टॉप के साइड एक साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करके आपको कंटिन्यू पे टैप करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा। सिंपली आपको OTP नंबर फिल करके आपको वेरीफाई पे टैप कर देना है। उसके बाद आप मीशो ऐप में लॉग इन हो जाओगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली होम के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पे आप मीशो ऐप में जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो सिंपली आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट सर्च करना है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी प्रोडक्ट देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं टी शर्ट खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं टी शर्ट सर्च करूंगा। जो भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो सिंपली आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट का नाम सर्च करना है, टी शर्ट फॉर मेन। तो यहाँ पे मीशो ऐप में जितना भी टी शर्ट होगा आपको यहाँ पे वो सारा शो कर जाएगा और टॉप में आपको एक जेंडर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन पे टैप करते हो और यहाँ पे आप जेंडर चूज करके आप उसी जेंडर का टी शर्ट भी देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि कम से कम दाम में आप टी शर्ट देखो तो यहाँ पे आपको टॉप में एक शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको सिंपली प्राइस को लो टू हाई को चूज करना है। अब उसके बाद जो कम से कम दाम वाला टी शर्ट होगा आपको उसी सीरियल में दिखाया जाएगा टी शर्ट। अब जैसे कि मुझे ये टी शर्ट पसंद आ गया लेकिन मैं और भी टी शर्ट देखना चाहता हूँ, तो इस टी शर्ट को मैं विश लिस्ट में ऐड कर दूंगा। इससे ये हो गया कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये सेव हो गया है और इस प्रोडक्ट को बाद में मैं अपने विश लिस्ट में जाके खरीद सकता हूँ। तो इसी तरीके से आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो, बाद में आप उसे विश लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कोई एक टी शर्ट खरीदना चाहता हूँ, ये टी शर्ट जैसे मुझे खरीदना है तो इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे के साइड स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको टी शर्ट का साइज देखने को मिल जाता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टी शर्ट का साइज है सिंपली आपको यहाँ से टी शर्ट का साइज को चूज करना है और प्रोडक्ट का क्या डिटेल्स है आप यहाँ पे भी देख सकते हो। उसके बाद आपको बॉटम में बाय नाउ का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको टैप करना है। अगेन आपको बोला जाएगा यहाँ पे आपको टी शर्ट का साइज चूज करना है, तो आपको यहाँ पे अपना टी शर्ट का साइज चूज कर लेना है। उसके बाद आपको बाय नाउ पे टैप करना है। फिर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे एक कार्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टैप करना है। प्रोडक्ट का आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का प्राइस भी बताया जा रहा है और यहाँ पे कोई भी डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है एड्रेस वाला सेक्शन, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, अपना एरिया नेम, पिन कोड, सिटी, स्टेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नेम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ये सारा डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पे टैप करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है पेमेंट वाला सेक्शन। अगर आप पेमेंट ऑनलाइन करना चाहते हो अपने UPI ऐप से तो यहाँ पे आपको UPI वाले ऑप्शन को चूज करना है और अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट कर सकते हो। या अगर आप किसी वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वॉलेट वाले ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपके पास पे लेटर है तो आप यहाँ पे लेटर का भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। सिंपली आपको ऐड न्यू कार्ड पे टैप करके अपने कार्ड का डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करना है, फिर यहाँ पे आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। जो भी आपका बैंक है यहाँ से आपको वो बैंक चूज करना है। उसके बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि डिलीवरी के टाइम आप पेमेंट करो तो यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिलता है। सिंपली अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को चूज करना है। जब आपका प्रोडक्ट डिलीवरी बॉय लेके आता है तो आप उस टाइम भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो डिलीवरी बॉय को। तो यहाँ पे जैसे मुझे कैश ऑन डिलीवरी करना है तो यहाँ पे मैं इसी ऑप्शन को चूज करूंगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके ऑर्डर का समरी दिख जाता है, जैसे कि आपको प्रोडक्ट क्या है और कितना क्वांटिटी है प्रोडक्ट का, और टी शर्ट का यहाँ पे क्या साइज है आपको यहाँ पे वो मेंशन रहता है, और यहाँ पे आपका डिलीवरी एड्रेस भी दिख जाता है। पेमेंट मोड आपने क्या चूज किया है आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। तो सारे डिटेल्स को कन्फर्म करके आपको प्लेस ऑर्डर पे टैप कर देना है। उसके बाद आपका सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी भी जनरेट हो जाता है, इससे आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो। अब अपने प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए सिंपली आपको कंटिन्यू शॉपिंग पे टैप करना है। बॉटम में आपको माय ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको टैप करना है।
आपने मीशो ऐप में जो भी प्रोडक्ट बाय किया होगा, जो भी ऑर्डर किया होगा, आपको यहाँ पे वो सारा लिस्ट हो जाएगा। तो सिंपली अपने प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर स्टेटस होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपका प्रोडक्ट अब तक शिफ्ट में चला जाएगा, आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट भी दिख जाता है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। अगर यहाँ पे आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कैंसिल ऑर्डर वाले ऑप्शन पे टैप करना है और कोई एक रीज़न देके अपने ऑर्डर को आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मीशो ऐप में ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने आपको जो भी स्टेप्स होता है वो सारे स्टेप्स आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर आपको मीशो ऐप में ऑनलाइन शॉपिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हो। इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज को डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।